Now next is ki, let me share the screen again. So lot of trauma you have in your body, right? Even right now, everybody, because जब आपके ancestor किसी war में जाते हैं जहां उनका murder हो जाता है, murder in the sense कि लोग मारते ही हैं wars में, है ना, या और कोई मैसेकर हुआ है जिसमें ग्रुप में सबको मार दिया, जो भारत पाकिस्तान की बात करती है वहां पे ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास आपकी ब्लड में हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी मतलब दो तीन चार जनरेशन बैक पहले कोई ऐसा ट्रॉमाटाइज इवेंट हुआ है तो लोग कहते हैं कि टाइम विल हील, बट टाइम विल नॉट हील एनीथिंग अनलेस यू डू द कॉन्सलेशन, अनलेस यू रिलीज दैट इश्यू नाउ। आर यू गेटिंग मी? सो नेवर से दैट टाइम विल हील कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, ठीक नहीं हो जाता। इट टेक्स अ प्लेस, दिस एनर्जी टेक्स अ प्लेस समवेयर इन योर बॉडी एंड यू ऑल्सो टेक, एंड एक्चुअली क्या होता है उसमें आपके अपने प्रॉब्लम से इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, तो सेम एनर्जी यू क्रिएट मोर एंड मोर, एंड आने वाली जनरेशन तो और भी ज्यादा क्रिएट करती है। सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज रिलीज ऑल द ट्रॉमास, ऑल द अनरिजॉल्व इश्यूज ऑफ योर एंसेस्टर, एंड फ्री योर सेल्फ एंड योर लीनिएज प्लस योर कमिंग जनरेशन। सो हाउ मच बेनिफिशियल इट इज, राइट? आपकी अंडरस्टैंडिंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन से क्या होता है, आपके जब ये अनरिजॉल्व इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप समझते हो कि यस मेरी फैमिली में मेरे अंकल के साथ ऐसा हुआ, या मेरी बुआ के साथ ऐसा हुआ, या इसके साथ ऐसा हुआ, या मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, सो यू आर नॉट ओनली टेकिंग इश्यूज फ्रॉम योर मदर एंड फादर, यू आर टेकिंग इश्यूज फ्रॉम योर मदर साइड फैमिली, अगर आपके मामा के भी इश्यूज आएंगे, राइट? अभी इंडिया में बिलीफ है कि शादी के बाद लड़की की फैमिली अलग हो जाती है, नो, इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन लड़की की फैमिली अलग नहीं हो जाती, क्योंकि वो फैमिली में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उसके पास वो डीएनए है उस फैमिली का। यस, सोशल लेवल पे ये एक सेपरेशन है कि वो उस फैमिली की जगह दूसरी फैमिली में रहने आई है, तो ये गर्ल क्या करेगी, अब जब ये अपने इन लॉस के घर जाएगी तो नॉट ओनली विद हर ओन पैटर्न ऑफ हर फैमिली, she will take the pattern of the in ससुराल का family। अब आप समझे कि कितना complicated हो जाता है हमारी life में चीजें, क्यों हो जाती हैं? वही लड़का शादी से पहले जब मिलने आता था, बात करता था, he was a different person, there was no problem। The moment you place your foot into your in-laws family, क्या होता है कि all those patterns come to you because you have accepted it to become the daughter-in-law। Okay, same with the boys also, राइट? सो एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे ही शादी के बाद जब वो सारे माहौल में आते हो, बिकॉज नाउ योर एनवायरमेंट ऑल्सो चेंज, बिकॉज आपकी लाइफ को केवल आपका डीएनए ही नहीं, आपका एनवायरमेंट भी चेंज करता है। सो जैसे ही ये लड़की घर में आएगी, देन शी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो उसकी सास ने फेस की होंगी, या सास की सास ने फेस की होंगी, वो ये भी करेगी। सेम जो माँ से वो पैटर्न लेके आई है, माँ को रिस्पेक्ट नहीं मिली, माँ को किसी ने केयर नहीं की, ये सब भी उसको उसी फैमिली में देखना है। सो सेम विद मैन एज वेल, अगर उनको उनके फादर को उनके यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिली, उनके उनके जो ग्रैंडफादर ने नहीं दी, देन दिस पर्सन विल आल्सो नॉट हैव रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज वाइफ। ओके, सो अभी आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा, जो बहुत सारे लोग कहते हैं शादी से पहले तो सब ठीक ठाक था, शादी होते ही पता नहीं क्या हो गया। वो पता नहीं क्या हो गया नहीं है। So the most important reason being that we are sum total of our DNA, which comprise of parents, grandparents, ancestor, as we saw earlier, okay, has actually हमारा जो DNA है, it's not only for from our parents, grandparents and whole lineage, okay, वहां सबसे आपके पास आ रहा है, और आपने किसका लिया है वो आपको family constellation में पता लगता है। कई बारी हम आइडेंटिकल लाइफ जीते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या उनसे पहले कोई जो आए थे उनकी हम रियल लाइफ जीते हैं, और हमें पता भी नहीं होता ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्यों हो रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जन्मपत्री में लिखा है, ये लिखा है, यस इट इज ओके, जन्मपत्री में लिखा है, फाइन, आपके जो भी प्लैनेट्स हैं वो आपको क्रिएट करवाए, दैट इज फाइन, बट दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज द मोमेंट यू चेंज द बिलीफ सिस्टम ऑफ योर पेरेंट्स, आपका रिसीविंग बढ़ जाता है और आपका ग्रोथ होता है। रिसीविंग किस चीज का? एनर्जी रिसीव करना,
किसी भी प्लेनेट की एनर्जी इसलिए ब्लॉक हो जाती है, विच वी कैन लर्न इन एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टेलेशन मे बी लेटर, कि हाउ दिस थेरेपी कैन वर्क फॉर यू टू रिलीज ऑल दोज इश्यूज. वो जो आपने पैचेस बनाए ना हेड में अपने बिलीव्स के, कि ये बिलीफ है तो सूर्य का हमारा एनर्जी रुक गया. तो जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को क्लीन करते जाते हैं ना, जो आपको इस क्लास में बहुत मौका मिलेगा करने के लिए और बहुत सारे सेशन हम करने वाले हैं, वैसे वैसे आपकी रिसीविंग वर्ड से बढ़ती जाती है. होगा आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल चीजों का हो, लेकिन इट वोंट बी 100%. दिस इज द क्या कहते हैं मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इन दिस कॉन्स्टेलेशन. फॉर मी दिस इज माई फेवरेट फेवरेट थेरेपी. जनरली आई डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन, नथिंग एल्स. हियर यू कैन रिजॉल्व योर इश्यूज ऑफ इवन पास्ट लाइफ्स, यू कैन रिजॉल्व इश्यूज ऑफ दिस लाइफ टाइम, you can resolve issues from your ancestor which are coming into your DNA, and you can resolve issues your current situation if you are stuck in a situation. Okay.